नमस्कार साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आज के प्रेरक प्रसंग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि सच्चे मन वालों की मदद के लिए खुद भगवान भी आ जाते हैं। बस आपका मन साफ होना चाहिए और आपका विश्वास ईश्वर पर अटूट होना चाहिए, तो यकीन मानिए खुद भगवान आते हैं आपकी मदद के लिए। और इसको समझाने के लिए लेकर आए हैं हम आज का अपना प्रेरक प्रसंग। साथियों, एक गांव में भोला केवट रहता था। वो बहुत भोला भाला ही था, इसी वजह से उसका नाम भोला पड़ गया था। कोई कुछ भी पूछता वो केवल एक ही उत्तर देता, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। कहना ना होगा कि वो रघुनाथ जी का भक्त था। जब भोला की पुत्री विवाह योग्य हुई तो भोला ने साहूकार से ऋण लेकर उसका विवाह किया और घर छोड़कर गांव के ही रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। कुछ समय बाद अपने पुत्र के कमाए हुए धन को लेकर भोला पुनः साहूकार के पास पहुंचा और ब्याज सहित मूल चुका दिया। साहूकार ने रसीद बनाई, भोला को दी, कहा कि पढ़ लो। भोला बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। साहूकार समझ गया कि भोला पढ़ना नहीं जानता, उसने रसीद वापस लेकर छिपा दी और एक कागज पर यूं ही कुछ लिख कर दे दिया। भोला के जाते ही साहूकार ने न्यायालय का रुख किया। भोला को बुलाया गया। जज साहब ने पूछा, तुमने इनसे ऋण लिया था वो चुका दिया? भोला ने हाँ में सिर हिला दिया। जज साहब ने पूछा, कोई रसीद है? तो भोला ने वो कागज दिखाया। जज ने कहा, ये तो कोई रसीद नहीं है। इस पर भोला बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। जज साहब ने पूछा, जब तुमने ऋण चुकाया तब तुम्हारे और साहूकार के अलावा वहाँ कोई और था? अब भोला अपने स्वभाव के अनुसार बोला, हाँ वहाँ रघुनाथ जी थे ना। इस पर जज साहब समझे कि रघुनाथ जी किसी सज्जन का नाम होगा। उन्होंने रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी किया और अगली तारीख दे दी। चपरासी सम्मन लेकर गांव भर में घूम गया, पर कोई रघुनाथ होता तो मिलता ना। आखिर किसी से उसे रघुनाथ जी के मंदिर की जानकारी मिली। चपरासी मंदिर में ही सम्मन रख कर चला गया। अब मुकदमे की तारीख आई तो सब न्यायालय पहुँचे और रघुनाथ जी के नाम की आवाज लगाई गई। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। जज साहब ने पूछा, आप रघुनाथ जी हैं? इस पर उन्होंने कहा, हाँ। जज साहब ने पूछा, जब भोला ने पैसे दिए तब आप वहाँ थे? उन्होंने फिर कहा, हाँ। जज साहब ने पूछा, कोई प्रमाण है? तो उन्होंने कहा, साहूकार की अलमारी में 4 नंबर बही में रसीद पड़ी है, आप मंगवा लीजिए। साहूकार सन्न रह गया। चपरासी गया, रसीद लेकर आया, भोला बरी हो गया, साहूकार को दंड मिला और वो गवाह चला गया। अब जज साहब ने भोला को अलग से बुलाकर पूछा, ये रघुनाथ जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत सारे गवाह देखे पर जैसा रोमांच मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। भोला बोला, रघुनाथ जी वो हैं जिनका हमारे गांव में मंदिर है। इस पर जज साहब ने कहा, इन्होंने मंदिर बनवाया है? तो भोला ने कहा, साहब ये वो हैं जो मंदिर में विराजते हैं। ये सुनकर तो जज साहब रोने लगे और बोले, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज साहब को वैराग्य हो गया, वो अपना पद त्याग कर वृंदावन में आकर बस गए। तो साथियों, इस प्रेरक प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा पूरा विश्वास रखते हैं तो वो भी हमारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देते और हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।